हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली थैंक्स टू जो मेरे शुरुआती सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल वाला थैंक्स, क्योंकि वो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मुझे मोटिवेट करते रहते हैं अपने कमेंट्स के जरिए। तो आप लोग भी करते हैं, जो बाद में जुड़े हैं वो भी कभी कभी इतना अच्छा कमेंट करते हैं, बस दिल को छू जाता है और फिर लगता है कि यार मुझे लगातार लगे रहना चाहिए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, एक यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी होता है शुरुआती पड़ाव, और ये शुरुआती पड़ाव क्या, मैं तो कहूंगा 1 लाख मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना सब्सक्राइबर इकट्ठा कर सकता हूं या मैं इतना अच्छा भी पढ़ा लेता हूं जो मैं कभी 1 लाख कर पाऊंगा लोगों को। बहुत सुनने में बहुत बड़ी ये संख्या लगती है दोस्तों। कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, पढ़ाई का, स्टडी का है, 18 से 25 साल के लोग देखते हैं सिर्फ, ठीक है। एंटरटेनमेंट का चैनल, मूवी का चैनल, गाने का चैनल लोग 10 साल से लेकर के टिल डेथ में कहूंगा, या जो भी टिल कॉन्शियसनेस तक लोग देखते रहते हैं, 60, 70, 80, 90 जब तक उनको होश है तब तक वो देखते रहते हैं। तो वहां सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि वो 5-5, 4-4 मिनट के सिर्फ हंसाने के लिए, और हंसना कौन नहीं चाहता, सबके लिए वीडियो होती है मूड को शांत करने के लिए। लेकिन हमारी जो वीडियो होती है मूड को बिगाड़ने के लिए होती है, ठीक है। और ये पढ़ाई तो मूड बिगाड़ती है, आपको पता ही है, लेकिन अगर कोई इसको दिल से लगा ले तो वास्तव में इससे अच्छा कोई मूड नहीं बनाता, क्योंकि ये कैरियर को बांध लेती है आपके। और जिसने इसको पहचान लिया ना, उसका दिल सिर्फ पढ़ाई की वीडियो पढ़ने को मन करेगा और कोई और चीज उसको अच्छी लगेगी ही नहीं। और एक स्टूडेंट का धर्म है कि उसको सबसे ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर ही देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे, पूरे दिन कुछ भी करे। मैं नहीं कहता कि आप मत खेलो, मत एंटरटेनमेंट की वीडियो देखो, मत वो करो, पर स्टूडेंट धर्म जरूर निभाओ। अपना 24 घंटे में से मोस्टली टाइम किसी भी चीज में, मतलब नींद से भी ज्यादा टाइम, नींद लेते हो आप 7-8 घंटे की, उससे भी ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई को देना है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, जिस दिन आप ये बात समझ लोगे उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, आप लोगों को भी फील करा रहा हूं या करवाना चाहता हूं कि आप लोग भी फील करो। बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है अभी चैनल पे, लगातार बड़ा बड़ा कुछ करने वाले हैं, पर अभी सिर्फ मैं कोशिश में हूं कि कुछ नया ना करके जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें आपको कुछ स्पेशल दे पाऊं, ठीक है। तो मेरी कोशिश फिलहाल वही है। तो ग्रुप डी हमने लिया है, लाइव आने को मैंने 1-2 बच्चों से कमेंट किया है, तो दोस्तों मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, अपने कुछ कारण है मेरे। कभी आऊंगा तो आपको 2 दिन पहले बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, सबकी छुट्टी के दिन आऊंगा, ठीक है, तब आपसे बातें करेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री मुझे पढ़ानी थी, एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। रेलवे ग्रुप डी में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आरपीएफ में जिस तरह के आ सकते हैं, एसएससी जीडी में आपने देखा होगा उसके में भी ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है, एसएससी सीपीओ वगैरह में भी जो ट्रिग्नोमेट्री आती है दोस्तों, मैं 2 वीडियो तो ये दिया है, तीसरा हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस पे बना दूं, तो तीसरा वीडियो शायद वो भी बनाऊंगा। तो ये जो बेस है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ बेसिक कराई है मैंने, अभी जब डिटेल में कराऊंगा तो मुझे 10-12 वीडियो तो कम से कम लगेंगे, तब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरा के पूरे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। पर फिलहाल मैंने ये जल्दबाजी में दी है, पर सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर करके दिया है, कुछ भी आपसे नहीं चूकेगा। अगर आप कोई कांस्टेबल लेवल, एसआई लेवल तक का मैं कहूंगा, कुछ भी नहीं इसमें चूकेगा, ठीक है। एकाध क्वेश्चन ऐसा ही सीपीओ में तो चूक सकता है, मैं खुद बोलता हूं, पर क्योंकि वहां कभी कभी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मैंने नहीं कराया, अभी बेसिक करा रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। कभी डिटेल में कराऊंगा तो इसको साइड कर देना, बाकी जो 10 वीडियो बनाऊंगा 10 में टोटली ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो टेबल बना रहा हूं दोस्तों, एक टेबल होती है जिसमें आपको साइन 30 की वैल्यू पता हो, साइन 45, कॉट 30, कॉट 45, तो आपने ये नाम सारे नामों से अवगत करा चुका हूं ये क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो वो सारे नाम है यहां पर, तो वो आप इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये टेबल मैं आपके सामने, मैं लिख के भी ला सकता था लेकिन मैं आपके सामने ही बनाऊंगा इसको, तो आप समझिए कैसे बनाता हूं दोस्तों। जैसे देखिए, अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन की वैल्यू अपने पास से 0, 1, 2, 3, 4 मैं ऐसे लिख लेता हूं। हालांकि रट लो तो साइन की सारी वैल्यू ज्यादा अच्छा है, पर जो नहीं रट पाए उनके लिए मैं करवा रहा हूं, और सब में 4-4 का भाग मैं कर रहा हूं।
चार चार जगह डिवाइड कर रहा हूं सबको, और ऊपर से ले रहा हूं अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, इन सब का अंडर रूट। तो अब आप देखिए इसका ये जी चार का भाग जीरो में दोगे तो क्या जाएगा मान जीरो, इसका मान क्या जाएगा बस एक का एक और चार का दो, तो एक बटे दो साइन थर्टी की वैल्यू एक बटे दो। और अगर इसका लूंगा तो भाई इसका मान आएगा दो से इसको दो बार काट दो, एक ऊपर एक बचा एक का वर्गमूल एक और नीचे रूट दो, एक बटे रूट दो साइन 45 की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों अंडर रूट तीन बटे, और ये चार का अगर मैं अंडर रूट निकालने लगूं तो अंडर रूट तीन बटे दो आ जाएगा और ये एक आ जाएगा। सब वैल्यू आपको पता चल गई है, साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो कैसे बनाइए समझ आ गया ना आपको, अगर नहीं आया है तो रट लो फिर, साइन जीरो की वैल्यू जीरो साइन 30 की, ये रट तो सकते हो आप, रट लेना, बहुत लोगों को रट भी हुई होंगी। चलिए अब टेबल को मैं कॉस में बनाना चाह रहा हूं, तो दोस्तों जो साइन में लास्ट में है ना वो यहाँ कॉस में शुरू में हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट तीन बटे दो तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर है एक बटे रूट दो ये तो यही रहेगा, फिर है एक बटे दो वो यहाँ चला जाएगा, फिर है जीरो वो यहाँ चला जाएगा। तो कॉस की वैल्यू बन गई कॉस 30 की, कोई पूछे √3/2, कॉस 45 की पूछे तो 1/√2। तो दोस्तों एक बात आप देख रहे हो, यहां पर साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू बराबर है, साइन 45 कॉस 45 भी बराबर है, साइन 60 कॉस 30 बराबर है। तो दोस्तों ये न्यून कोण है सारे, 90 डिग्री से जो कम होता है वो न्यून कोण होते हैं, कम होते हैं 90 से कम। तो अब आप देख रहे हो कि साइन 30, इस पर क्वेश्चन भी आता है, मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आएगा। साइन 30 देखो, तो मैं आपको एक बात यहां कहना चाह रहा हूं, साइन 30 और बराबर कॉस 30 कॉस 60 ऐसे ही है, और कॉस 30 आप कहो तो बराबर क्या आ रहा है साइन 60, ठीक है, और कॉस 0 आप कहो तो आ रहा है क्या साइन 90। तो ऐसा ही साइन 90 का भी उतना है जितना कॉस 0 का है, तो इस तरीके से आपके सब आते जा रही है। तो इन दोनों में ऐसा एक खास रिलेशन होता है कि मतलब इनके अगर थीटा को जोड़ दो, मतलब ये दोनों का योग अगर 90 हो जाएगा ना तो फिर इनका इनका मान बराबर होगा। तो मतलब अगर मैं ये भी कहूं कि कॉस 40 बराबर किसके होगा तो मैं साइन 50 के बराबर कह सकता हूं इस बात को। तुम कहो जी 40 तो बताया ही नहीं आपने, तो दोस्तों ये हर जगह सही होगा, कॉस 40 बराबर साइन 650 होगा या नहीं होगा आपसे ये पूछा जाए तो आप कह सकते हो ये बिल्कुल होगा 100% होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि देखो ये बराबर ही तब होते हैं, इनकी वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इनकी वैल्यू बराबर ही तब होती है जब इन दोनों का योग 90 होगा, इन दोनों का योग 90 है तो बराबर है। खुद देखो cos 30 की 1/2 वो √3/2 और इसकी भी √3/2, तो ये तभी बराबर होता है जब इनकी वैल्यू 90 हो। अब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है दोस्तों, साइन 2a प्लस cos a इज इक्वल टू, सॉरी मैंने गलत कर दिया, बराबर ऐसे आ गया। अब आपसे पूछा एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण मतलब 90 से कम है, तो ये बात सही बैठती है। तो अब आप कहेंगे 2a और a अगर cos में बराबर है दोनों तो 2a प्लस a इज इक्वल टू 90 रहा होगा, तो 3a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 30, तो a का मान 30 आप 100% कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे देके बोलेगा tan a का वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे a की वैल्यू 30 तो tan 30 की वैल्यू रख दो यहां पर, कितना आसान ये सवाल हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये बराबर तब होते हैं साइन कॉस जब इनकी वैल्यू 90 हो, योग 90 हो। तो अब चलिए समझ में आ गया, दो पॉइंट बताएं बहुत जबरदस्त, एक तो इनकी वैल्यू और एक ये वाला, और ये वाला पॉइंट सब में लगता है दोस्तों, ये टेन कॉट में भी यही चीज है और सेक कोसेक में भी यही चीज है। अगर मैं कहूं ना सेक 30 और कोसेक 60 की वैल्यू भी सेम होगी, बराबर होगी, सेम इन दोनों में भी यही लगता है, इसलिए दो दो मैंने साथ साथ लिखे हैं, ठीक है। अब टेन की वैल्यू क्या करे दोस्तों, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो साइन है 0/1, 0/1 बराबर 0, इन दोनों का भाग दोगे दो से दो कट जाएगा 1/√3,
ठीक है, 1/√3, और अब रूट दो से रूट दो तो 1, और इसकी वैल्यू 2 से 2 √3/1 तो √3, और अब इन दोनों का भाग दोगे साइन ऊपर कॉस नीचे 1/0, 0 का भाग आप 1 में दे रहे हो, 0 का भाग 1 में, तो 0 का भाग 1 में, 0 का भाग किसी में भी दो इनफाइनाइट आता है, ठीक है, अपरिभाषित इनफाइनाइट जो भी आप कहें इसको। तो टेन और कॉट में सेम संबंध होगा जो साइन कॉस में, ऐसे ही उतारते चले जाओ इनफाइनाइट, फिर इधर √3, फिर इधर 1/1 बीच में तो 1, और फिर 1/√3, और फिर 0, ठीक है। और आप अब sec में, आपको पता है sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, sec cos एक दूसरे के उल्टे, तो एक का उल्टा 1/1, तो 1/1 तो यही आएगा, और इस √3/2 का उल्टा 2/√3 2/√3, या 1/1 करोगे 2 गुना हो जाएगी, तो वो बात एक ही है। 1/√2 का उल्टा √2/1, 1 लिखो या मत लिखो, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है दोस्तों, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब sec cosec में बिल्कुल वही बात, या cosec को इसका उल्टा कर दो, बिल्कुल 0, 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा करोगे 2/1 तो 2 आ जाएगा, बाकी यही चीज आती चली जाए। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 और 1, ठीक है। ये पूरी टेबल हो गई है, टेबल समझाने में मुझे टाइम लगा है, मुझे भी पता है, पर आप सीख गए होंगे इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता रहा हूं आगे, मतलब आगे क्या क्वेश्चन बेस्ड ऑन। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं, जस्ट आने वाला है अगला वीडियो।